Hey guys, welcome back to the channel. In this video, I'm going to solve the 34th problem, that is minimum number of operations required to make an array palindrome. So come, let's see how we can solve it. So guys, here I've opened the question. Let's read it first. Given an integer array A of n elements, your task is to complete the function of palin array, which will return 1 if all the elements of the array are palindrome, otherwise it will return 0. So the question is ki hame ek array diya rahega, theek hai, uske andar kuch integer values hain and hame check karna hai ki sari values agar palindrome hain to hum log 1 return kar denge, agar unme se koi bhi ek bhi value agar palindrome number nahi hai to hame 0 return karna hai. So hum log yahan karne kya wale hain ki for example agar hamare paas ek number hai 1 2 1, ओके, तो आप सब जानती हो पैलिंड्रोम है ये, क्योंकि इसके सारे डिजिट्स ऐसे पोजीशन पे हैं जो रिवर्स करने पे भी बिल्कुल सेम दिखते हैं. सो इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर. तो हम लोग बेसिकली इसे चेक कैसे करने वाले हैं, हम लोग इससे एक नया नंबर बनाने वाले हैं. ओके, तो राइट टू लेफ्ट वी आर गोइंग टू टेक एवरी डिजिट्स. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक 1 फर्स्ट. सबसे पहले हम लोग एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे, ओके, एंड आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे. ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज आंसर इंटू 10 प्लस एवरी डिजिट जो हम लोगों का यहां से निकल के आने वाला है दैट. ओके, तो मैं इसे फिलहाल रिमाइंडर का आर लिख देता हूं उसे, एंड दिस इज द फॉर्मूला. ओके, तो लेट्स अप्लाई दिस. नाउ लेट्स टेक फॉर द फर्स्ट टाइम आवर आंसर इज 0, ओके, एंड इंटू 10 प्लस द रिमाइंडर इज 1. ओके, एंड आप लोग सोचोगे कि ये रिमाइंडर कैसे आएगा. इसमें हम लोग एक वाइल लूप में ट्रेवर्स करके, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू को n से डिनोट करते हैं, n मॉड 10 करेंगे अब जब ये बन, सो हमारा सारा जो है राइट मोस्ट डिजिट हमें रिमाइंडर के तौर पर मिलता जाएगा. ओके, तो यहाँ पे ये 0 हो गया एंड दैट विल रिटर्न 1. सो अपना करेंट आंसर का वैल्यू 1 हो गया. ओके, नाउ इन द सेकेंड लूप आवर आंसर इज 1, एंड नाउ 1 इंटू 10 प्लस द करेंट रिमाइंडर दैट इज 2. सो यहाँ 2 हो जाएगा. ओके, सो दिस वन इज 10 एंड दिस इज 2, दैट मेक्स 12. ओके, सो टिल नाउ एज यू कैन सी वी हैड 2 1, दैट इज दैट विल मेक 21, बट वी रिवर्स्ड इट यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड दैट मेक्स 12. ओके, सो फार इट लुक्स लाइक दिस. एंड नाउ इन द सेकेंड इटरेशन आवर आंसर इज 12 इंटू 10 प्लस द करेंट रिमाइंडर दैट इज 1 एंड दैट मेक्स 120. दिस मेक्स 120 एंड दिस इज 1 एंड दैट मेक्स 121. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर विच इज सेम एज द इनिशियल नंबर. दैट मीन्स कि अपना जो नंबर था वो एक पैलिंड्रोम नंबर था. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस आइडिया इन सी प्लस प्लस. सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू ट्रवर्स द एरे फर्स्ट. Now let's take a answer variable that is 0. Now let's take a temp in which we are going to store the current number. Now while temp is greater than 0, we are going to iterate the while loop till temp value is greater than 0. Okay, and in here I'm going to take r first, that is the remainder, and it will be temp mod 10. Okay, it will store all the current remainder values, and also I'm going to update the temp value divided by 10. Okay, now I'm going to use that formula which I discussed before into 10, and this will be this plus r, and that's it. Now I will check if answer is not equal to the AI value, then I'm going to return 0 as the question says, and if everything goes well it is going to return 1. So this is it guys. Now I'm going to compile and run this program. So the output looks correct. Now let's submit it. So yeah, it is a correct answer. So this is it guys, this is how you can solve this problem. This is one of the easiest problem of array topic.
एंड हम लोगों ने यहाँ सक्सेसफुली एरे के लगभग सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। एंड अगली वीडियो से आप लोगों को स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग दिखने वाले हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एनी कॉमेंट प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन एवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। Thank you.